इस करवा चौथ को जो हमारे भारत में सतियां हुई हैं, उन सतियों को प्रणाम नहीं किए तो फिर कैसे करवा चौथ? या पूरा दिन भूखे रहे, सोते ही रहे कि जाग जाएंगे तो भूख लगेगी? और आजकल तो एक विचित्र रिवाज देखने को मिलता है कि संध्या हुई और चंद्रमा देखा और सारे रेस्टोरेंट भरे होते हैं। वो देवी कह देती कि आज मेरे से कुछ नहीं बनेगा, मुझे तो होटल में लेके चलो। माथा चल गया है क्या? व्रत का पालन होटल में जाके होगा क्या? तो सारा पुण्य तो वेटर ले जाएंगे वहां के, पति को काहे का पुण्य मिलेगा? ये हम क्या कर रहे हैं? और दिन होटल चले जाइए, जाना ही है तो, बाकी वैष्णव को तो शोभा नहीं देता। पर आजकल कितना रिवाज चला है कि पूरा दिन वो देवी भूखी थी तो वो अब कुछ बनाएंगी नहीं, तो आज तो होटल में जाएंगे। तो व्रत तो वो होटल वाला का फल ले जाएगा, इसलिए शायद उसका होटल इतना चल रहा है, क्योंकि सारी सतियों के व्रत का पुण्य ही उसे मिल रहा है, पति को तो पुण्य ही नहीं मिल रहा। क्या बेटरों को मिलेगा जो बेटर भोजन परोस? जितना व्रत का विधान है मेरे भाई बहनों, उतने व्रत का पारण का भी विधान है। हम लोग एकादशी व्रत रखते हैं तो अगले दिन पारण का समय पत्र में लिखा होता है, गुरु लोगों को स्मरण करके तब महाप्रसाद का कण लेते हैं। व्रत करना है और व्रत खोलना कैसे है? तो होटलों में जाके नहीं, पुण्य तो वो ले जाएंगे, पति को काहे का पुण्य मिलेगा? तो घर पे ही उस दिन रसोई बनाएं, प्रभु को भोग लगाएं, फिर सब लोग प्रसाद पाए। बाजार से ठीक नहीं है, घर पे बनाइए, थोड़ा बनाइए, जैसा बनता है बनाइए, लेकिन नहीं।